गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हम अपने घरों में कई त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, बसंत पंचमी, और इन त्यौहारों में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि आप अपने घरों में क्या क्या व्यंजन बनाते हो। हाँ, जैसे कि पूरी, बड़े, सूजी, खीर और पुए। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है मालपुए वाली, यानी कि किसने खाए मालपुए। इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं अमित पांडे, और इसका जो चित्रांकन किया है वो किया है मानसी मेवाड़ी ने। दादी माँ ने मालपुए बनाए हैं, मीना को मालपुए बहुत पसंद है। दादी माँ, मुझे मालपुए दो ना, मीना बोली। नहीं बेटा, ये प्रसाद है, दादी माँ बोली। पहले पूजा में भगवान जी खाएंगे, फिर तुम खाना। भगवान जी पूजा में कब खाएंगे दादी माँ, मीना ने पूछा। कल सुबह, दादी माँ बोली। अगले दिन सुबह पंडित जी आए, उन्होंने भगवान जी को नए कपड़े पहनाए, मीना ने भी उन्हें माला पहनाई। तभी दादी माँ की आवाज आई, मीना इधर आना। हाँ दादी माँ, मीना बोली। मालपुए किसने खाए, दादी माँ ने पूछा। प्रसाद का डिब्बा खाली था। मैं क्या जानू दादी माँ, मीना बोली। सच बतलाओ, दादी माँ ने फिर से पूछा। अब मीना क्या बोले, दादी माँ मालपुए कौवे ने खाए। और कौवा यहाँ कहाँ से आया, रात में आया दादी माँ, सच मैंने उसको खुद देखा। पर रात को कौवा सोता है, दादी माँ बोली। अब मीना क्या बोले, दादी माँ मालपुए जरूर बिल्ली ने खाए। और बिल्ली यहाँ कहाँ से आई, दादी माँ ने पूछा। खिड़की में से दादी माँ, सच मैंने उसको खुद आते हुए देखा। पर खिड़की में तो जाली लगी है, दादी माँ बोली। अब मीना क्या बोले, दादी माँ मालपुए जरूर चूहे ने खाए होंगे। और चूहा यहाँ से कहाँ से आया, दादी माँ ने पूछा। दरवाजे से दादी माँ, सच मैंने उसको खुद देखा, पर डिब्बा ऊपर मेज पर था, दादी माँ बोली। अब मीना क्या बोले, दादी माँ मालपुए जरूर चींटी ने खाए। और दादी माँ ने पूछा कि चींटी यहाँ कहाँ से आई, तो मेज पर चढ़कर दादी माँ, सच मैंने खुद देखा, पर मालपुए तो ढेर सारे थे, दादी माँ बोली। अब मीना क्या बोले, दादी माँ मालपुए भगवान जी ने खाए। अब भगवान जी कब आए, दादी माँ ने पूछा। रात में आए दादी माँ, हवा में उड़कर आए दादी माँ, सच मैंने उनको खुद देखा। ठीक है, दादी माँ हंसकर बोली, मालपुए वो ही खा गए, अब केवल मिस्त्री खाएंगे। उई माँ, तभी मीना चिल्लाने लगी, क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग दौड़े। पेट में दर्द, मीना बोली। बड़े जोर से पेट में दर्द, झटपट से डॉक्टर आया। मीना बिटिया क्या खाया, डॉक्टर ने पूछा। तब मीना धीरे से बोली, डिब्बा भरकर मालपुए। अरे बाप रे, डॉक्टर बोला, ये छोटी सी गोली लो। कान पकड़कर मीना बोली, दादी माँ मुझे माफ कर दो, मुझे पता था, दादी माँ ने हंसकर बोला। देखो, एक झूठ बोला तो कितने सारे झूठ बोलने पड़े। हाँ दादी माँ, मीना बोली, अब मैं हमेशा सच बोलूंगी। दादी माँ के संग मीना ने हलवा बनवाया, पूजा में भगवान को भोग लगाया। मीना ने सबसे माफी मांगी और सबके साथ थोड़ा थोड़ा हलवा खाया। थैंक यू।